अम्मा माधुरी बड़की भावजी अब चले यहाँ से। हमारे जमाई बाबू को थोड़ा आराम करने दो, हम इतना थक गए होंगे ना, इतना तमाशा जो हुआ है आज है? और वैसे भी शादी का इंतजाम तो करना ही है ना, या नहीं, या यहीं बैठा रहना है? अब चलो चलो यहाँ से। हाँ, चल, चल। आप लोग संतोषी को भी ले जाइए। पग फेरों की रस्म के लिए। अब सही, हम लेके चले जाएंगे, पर एक बात पूछना चाहते हैं, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रही है ना? अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम थैरे को भी आपके साथ भेज देते हैं। पग फेरों की रस्म के बाद वो संतोषी को घर ले आएगा। जी जी। अगर जमाई जी साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तो सब ठीक हो रहा है बेटे, परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। धैर्य ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। धैर्य सर ने हमें स्वीकार तो कर लिया अपनी पत्नी के रूप में काका, लेकिन हम आगे का सोचकर परेशान हो रहे हैं। और धैर्य सर बिल्कुल अलग अलग है, हम ये रिश्ता कैसे निभा पाएंगे काका? बेटी, जिसमें विश्वास हो वो हर मुश्किल को पार कर लेता है, और तुम में विश्वास है, हमने आजमा कर देखा है, हम जानते हैं तुम सब संभाल लोगी बेटा। और फिर पति पत्नी का रिश्ता बेटे, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही है, ये जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, समझ बूझ समझौते से इसकी बुनियाद बनती है बेटा। ये जरूर है कि तुम्हें कुछ ज्यादा झुकना पड़े बेटा, लेकिन किसी को तो ये रिश्ता संभालना पड़ेगा ना बेटा। बेटी तुम संभाल लेना। अरे बाप रे बाप, अरे हट 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 हट, अरे रुको रुको रुको, अरे छोटे मालिक, हम जानते हैं कि आपको किसी और की कहा कहते हैं उसे है? अरे बताओ ना। अरे हाँ, ड्राइविंग पसंद नहीं है तो आप ही चलाइए ना अपनी गाड़ी। साड़ी साड़ी समान। वाह, अरे भाई बहुत मौज मस्ती हो गई भाई तुम लोगों की, अब जाओ जल्दी से अपनी सीट पकड़ लो, वरना 5 मिनट की देरी हो गई तो बस तो फुर से निकल जाएगी, हमारी बाप की तो है नहीं। अब जाओ जल्दी जाओ। हाँ भाई जाओ, ऐसे आके फाड़ फाड़ कर काहे देख रहे हो? तो आप हमसे बराबरी करोगे? अरे हम संतोषिया के रिश्तेदार है, हम जब बड़ी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, अब तुम लोग बस में आ जाओ। अरे बैठ तो जाए बस में, और बैठने का ड्राइवर पैसे मांग रहा है ससुर के नाती, कहां से दे पैसे? ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, अरे छोटे लोग बाजी नहीं आते। अब बताओ, 2 कौड़ी की औकात नहीं है और हमसे पैसे मांगने चले? अरे जानते भी हैं हम किसके रिश्तेदार हैं। आज रुको रुको, इंतजाम करते हैं। समधिन जी, इतना सब इंतजाम कर दिया है तो हमारा छोटा काम और कर दीजिए। वो कहा है ना कि हम इतना कैश लाना भूल गए हैं,
तो अगर आप बस वाले का इंतजाम कर लेती तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते, और कोई बात नहीं है, वैसे बैंक जा सकते हैं हम। पुष्पा। यस मैम। बस वाले को पेमेंट दे दो। यस मैम। हाँ, देखा हमारा प्रभाव, तब खड़े मत रहो, जाओ ये इनके साथ जाओ, तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, जाओ 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 जाओ। ये लोग कब पागल हो जाए, किसी को कोई खबर नहीं। ए अम्मा, आओ उस गाड़ी में बैठो, चलो चलो आ जाओ आज। चलिए दवा जी। दवाज जी थोड़ा वो ठंडी हवा वाला चलाइए ना मशीन। दामाद जी का दिल भी इतना ही मुलायम होगा। अरे और नहीं तो का, दामाद जी का दिल तो बहुत मुलायम है, तभी तो हमारी संतोषिया को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया है। उसे हमारी संतोषिया बड़ी किस्मत वाली है, इतना अच्छा जीवन साथी मिला है उसे। दामाद बाबू है, अब शादी के बाद तो आपने बस मौन व्रत ही रख लिया है। अरे थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं, अब का हम नागिन की तरह टस थोड़ी लेंगे। जहर तो पूरी जिंदगी में मेरे फैल चुके हैं, किसी की जरूरत क्या। अरे बाप रे, दामाद जी थोड़ा धीरे से गाड़ी चलाइए, अब ऐसा है ऐसे एरोप्लेन की तरह उड़ा रहे हैं तो कौनो आपका ससुराल जल्दी थोड़ी ना टपक पड़ेगा, आराम से सकुशल पहुंच गए कि नहीं, मजा आया गाड़ी में। अम्मा एक काम करते हैं, हम जाके कुछ इंतजाम कर लेते हैं, कहा है कि धैर्य बाबू पहली बार हमारे घर आए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। ठीक है अम्मा। समधन जी, हम तो आपकी बात समझ रहे हैं, पर क्या करें, मेहमानों को क्या समझाएं। ऐसा है ना कि हम थोड़ा पुराने विचारों के हैं, रीति रिवाज मानते हैं। देखिए अब आपने अभी तक इतना साथ दिया है, थोड़ा साथ और दे दीजिए, का है ना, नहीं तो घर के बड़े बुजुर्ग बुरा मान जाएंगे।
लेकिन पग फेरों की रस्म में तो थोड़ा ही वक्त लगता है ना। जरूर लगता होगा, पर दूसरी जगह, हमारे यहाँ ना रात को दामाद को रोकने की रस्म है। तभी तो इतनी मिन्नते कर रहे हैं समधन जी। देखिए शादी तो बड़ी जल्दी में हो गई, कम से कम रस्में तो हम कायदे से करते हैं। ठीक है, हम धैर्य से बात करेंगे। स्टूपिड। हेलो धैर्य, हम जानते हैं इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है। बस कुछ देर और सहन कर लो। अजीब लग रहा है ना, आपने तो ये सब सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोचा तो हमने भी नहीं था कि ऐसे आपके साथ। शायद बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता। हमें स्वीकार करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया हमारे। स्वीकार माय फुट। तुम्हें क्या लगा कि मैं रिया को भूल के तुम्हारे साथ स्वागत मनाऊंगा? एक नौकरानी के साथ तुम्हें छूने में बिना घिन आती है मुझे। और तुम्हारी औकात बचाती है तुम। देखो अपनी शक्ल इस आईने में, देखो गौर से, अगर नहीं देखा है तो। तुम्हारी जैसी लड़की पर ना मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। सुहाग रात के सपने देख रही हो ना? अरे तुम्हें छूना भी मेरे लिए पाप है। तुमने मेरी शादी तोड़वाई थी ना, इसीलिए मैंने हिसाब बराबर किया, वरना तुम्हारी ये दुश्मनी भी मेरी मजबूरी थी, समझी? और आज रात जो मुझे मौका मिला है ना, इसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें छूना भी ना, कीचड़ को छूने के बराबर है, समझी? और तुम सुहागरात के सपने देख रही हो। तुम्हारी जो झूठी सुहागरात है ना, इसमें तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, क्योंकि नाली के कीड़ों को ना उसकी औकात पता होनी चाहिए, वरना यहां वहां गंदगी फैलाता रहता है। चलो जाओ बाहर, जाओ कोने में बैठ जाओ। मैंने कहा यार बैठ जाओ। तेरे बोले ना बात को सुन लेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर वाले सुने जागे सोए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहां से।
बैठो। हिलना मत यहां से। वो क्या है कि अंधेरे में पड़ी रहोगी तो ना तुम्हारी शक्ल दिखेगी ना मेरा दिमाग खराब होगा, समझी? छोटे छोटे कामों से जाने कब मुक्ति मिलेगी? अम्मा एक बात कहें हम आपसे? का? आप ना हमारी भी कहीं नौकरी वोकरी लगवा दो, कम से कम उसकी तरह एक अच्छा सा अमीर लड़का मिल जाएगा हमें भी। बिट्टो, नौकरी तो हम तुम्हारी कल ही लगा दें, लेकिन संतोषिया की जैसी किस्मत कहां से लाएंगे? किस्मत की बड़ी धनी निकली वो, बचपन में उसके माँ बाप मर गए फिर भी आज देखो कैसे रानी बन गई है। अरे ये सब किस्मत का खेल है, किस्मत से कैसे लड़ेंगे? अम्मा हाँ, हमें लगता है ना कि उस संतोषी की किस्मत संतोषी माँ की पूजा और उनका व्रत रखने की वजह से चमकी है। तो हम सोच रहे थे कि अब से ना हम भी संतोषी माता का व्रत रखेंगे। बिट्टो पागल हो गई, व्रत रखने में थोड़ी ना कुछ जाता है, अम्मा भी ना। पापा संतोषी के ससुराल में कितनी सारी गाड़ियां है ना, अगर एक आधी हमारे पास भी होती तो खूब मजे करते। अबे बकलौल, अरे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, क्या समझे? तो पापा क्यों ना हम भी थोड़ी सी मेहनत कर ले, आप हमें ना किसी तरह उन अमीरों के गराज की चाबी दिलवा दीजिए, ऐसी गाड़ी गायब करेंगे उनके गराज से कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लगा देखी तो पगला गए हो है? एक बात बता, तुमको जो उल जुलूल बातें सूझती कैसे है? लगता है सिर पे बाल ज्यादा दिमाग कम है, सिर मुंडवा देंगे तुम्हारा किसी दिन। अब ऐसा का कह दिया हमने? ऐसा का कह दिया है? अरे हमें लगता है पगलेट के पगलेट ही रहोगे तुम। अरे बेटा अभी तो हम रिश्तेदार बने हैं, धीरे धीरे अब मैनेजर बन जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी नौकरी का इंतजाम भी कर देंगे। बेटा जे लोग पैसे की खदान हैं, का समझे है? धीरे धीरे सब हो जाएगा, थोड़ा सब्र करना सीखो। ऐसे कछुए की चाल चलेंगे तो आ गई गाड़ी और मिल गया खजाना। काफी गहरी नींद में सोए, लगता है शादी की सारी थकान यही मिटा रहे हैं। जीजू जीजू, लगता है आप ना दीदी के सपनों में खोए हुए थे, इसीलिए आपकी नींद नहीं खुली है ना? बिट्टू देख क्या बोले सारे आप। जिस दिन मेरे ये सपने में आएंगे ना, उस दिन से मैं सोना छोड़ दूंगा। लाइए मेरा चाबी दीजिए आप, मुझे वापस घर जाना है, मैं और रुक नहीं सकता यहाँ पे। बिट्टू देख जाना दीदी, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। ये करना जरूरी है क्या? मतलब कुछ और असम्भव नहीं कर सकते? सुहाग रात के बाद क्या शर्माना दूल्हे राजा, संतोषिया तो अब तुम्हारी बीवी बन गई। अरे धैर्य बाबू, पकड़ भी लीजिए। अरे सामाजिक दोनों लोग मिल करके दिया के आगे अर्पण कर दीजिए। दीप नारायण भगवान की जय। ये विधि संपन्न हुई। महादेव पंडित।
जी ऐसे कैसे सारी रस्में खत्म हो गई है? अभी तो एक रस्म बाकी है, अभी दूल्हा दुल्हन के बालों में गजरा और कान के पीछे काला टीका लगाएगा। अरे हाँ हाँ, ये रस्म तो बहुत ही जरूरी होती है। माधुरी, ये कौन सी रस्म है? हायदी अम्मा जी, आप ना बुढ़ापे में सब कुछ भूल गई हो। अभी आपके सामने रस्म होगी ना, तो आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। लीजिए दामाद जी, ये गजरा ना संतोषिया के बालों में लगाइए। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख के उठाऊं, कितनी गंदगी दिखनी पड़ रही है और गंदगी चिन्नी भी पड़ रही है। घूर क्या रही हो? तुम्हारे बारे में कह रहा हूं, पता नहीं कितनी बार हाथ धोना पड़ेगा मुझे ये गंदगी साफ करने के लिए। ओ ड्रामा क्वीन, ये जो आंसू है ना, अपने घर वालों के लिए बचा के रखना। आई नहीं और उसका रंग पहले ही चढ़ गया। लगता है दामाद जी के प्यार का रंग है जे। दक्षा, बहुत खिंचाई कर ली है तुमने जो माई बाबू की। चलो, विदाई की रस्म पूरी करनी है और उससे पहले माता की आरती भी करनी है। अब मुझे कुछ फोन में बात करनी है अर्जेंट, मैं बाहर जाता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। चलो बेटा, आरती कर लेते हैं। हमें भी मंदिर जाना है, देर हो जाएगी। चलो जी। संतोषी बेटा, शादी के बाद तुम पहली बार माँ की पूजा कर रही हो। अब जो भी कुछ
तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बीवी के नाम से रानी बन जाओगी? तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक तुम सही सलामत खड़ी हो। अरे तुम्हारे साथ मैं क्या करता तुम्हें पता भी नहीं। बहुत स्मार्ट समझती हूँ ना अपने आपको। अभी सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी। अब तुम अकेली लखनऊ पैदल चलकर आना। इस गाड़ी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। भाई सर हमारी बात सुनिए। भाई सर पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।